महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने गुरुवार को फैसला किया है कि वह केंद्र सरकार से गैर क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा मौजूदा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए प्रति वर्ष करने का अनुरोध करेगा। यह फैसला राज्य में अगले महीने प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले आया है। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण का लाभ हासिल करने के लिए गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। यह प्रमाण पत्र प्रमाणित करता है कि उक्त व्यक्ति की पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने गुरुवार को फैसला किया है कि वह केंद्र सरकार से गैर क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा मौजूदा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए प्रति वर्ष करने का अनुरोध करेगा। यह फैसला राज्य में अगले महीने प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले आया है। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण का लाभ हासिल करने के लिए गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। यह प्रमाण पत्र प्रमाणित करता है कि उक्त व्यक्ति की पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई है।